है, इसका विस्तार में कितना लाभ होगा, इसलिए इसके बारे में हम अनुवर्तन करना चाहिए, फॉलो अप। इसलिए सब लोगों के ऊपर एक ज्ञान का विकास के लिए, वो वस्तु में एक आविर्भाव होने के लिए, और वो वस्तु का विस्तार समझ के फिर बार बार इसका अनुवर्तन, पीछे पढ़ना चाहता है, पीछे पीछे आचार्य के पीछे पढ़ना चाहता है, उसके उसके बारे में भी पीछे पढ़ना चाहता है। सो इसके लिए एक इनका जो रुचि रहता है इनकी, उसका प्रज्वलन के लिए, उसका उद्घाटन के लिए, उसका विस्तार के लिए कुछ बताते हैं। इसलिए आप ये समझना चाहिए, इसका क्या बोलते हैं, प्रदर्शन पद्धति या परंपरा। इसको क्या बोलते हैं, प्रदर्शन पद्धति या परंपरा। प्रदर्शन परंपरा है जो आप अभी सुनते हैं, आपकी पूरी जिंदगी में अभ्यास करना चाहिए, एक दिन के लिए नहीं, एक मास के लिए नहीं, एक मंडल के लिए। ये ज्ञान जो होता है वो ज्ञान अनुष्ठान तो पूरी जिंदगी में करना चाहिए, यावधायु मरण पर्यंत करना चाहिए। इसका तीन प्रकार का वो व्यापक लक्षण बोलते हैं शास्त्र में। सो क्या बोलते हैं, व्याप्ति बोलते हैं, अंतर्व्याप्ति, बहिर्व्याप्ति, आघात व्याप्ति। अंतर्व्याप्ति में जो आप सुन रहे हैं वो बहुत कुछ सुनना चाहिए, आघात व्याप्ति में जो कुछ आप ले रहे हैं दिल के बहुत अंदर अभिस्पल बोलते हैं ना, वो आघात देश में रख के हमेशा करना चाहिए। बहिर्व्याप्ति में जो आप लेते हैं वो ज्ञान आपको बच्चा को देना चाहिए। जैसा आपकी संपत्ति, आपकी प्राकृतिक संपत्ति बच्चे लोगों को जाता है, वैसे ही आध्यात्मिक संपत्ति जाता है। आपका घर है, आपकी खेती है, आपकी भूमि है, वो सब आपको बच्चे लोगों को जाता है ना, वैसे ही आत्मिक आध्यात्मिक अभ्यास भी आपके जो बच्चे लोग हैं और सब लोगों को जाना चाहिए। आपका जो मित्र लोग हैं, बंधु लोग हैं और हिताकांक्षित हैं, और आपके जो बच्चे लोग परंपरा भी है, वो सब लोगों को इसका वितरण करना पड़ेगा। इसलिए ये तो पूर्ण आयुष का अभ्यास है, ये पूर्ण आयुष अभ्यास का एक उपाय है। सिर्फ 20 मिनट में नहीं बता सकते हैं, यदि वो आदमी 20 मिनट में बताएगा फिर भी 20 मिनट में वो आदमी धारण करके अनुष्ठान में नहीं कर सकते। इसलिए एक परंपरा करना चाहिए। क्या वो परंपरा, पूर्ण आयुष का एक अनुष्ठान के लिए 5 साल की दीक्षा लेना पड़ेगी। वो 5 साल की दीक्षा लेने के लिए 1 साल का इसका प्रारंभिक दीक्षा लेना पड़ेगा। 1 साल दीक्षा लेने के लिए एक मंडल या एक महीने का दीक्षा लेना पड़ेगा। 1 महीने का दीक्षा लेने के लिए 1 या 2 दिन बैठ के वो दीक्षा का सब विचार करना चाहिए। ये 1 या 2 दिन बैठने के लिए विचार करने के लिए 1 घंटे बताना चाहिए, वो 1 घंटे पहले बताती है। 15-20 मिनट जो बात किए हैं वो तो प्रथम परंपरा का जो प्रथम भाव है, तो प्रथम श्रेणी है, पहले बैठ के बात किए 20 मिनट। आगे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, हम 20 मिनट बैठ के बात की, हम दोनों बैठ के, फिर उस पर आधारित 1 घंटे हम बात किए वहाँ के योग शिविर में। और ये तो 2 दिन की बात है, 2 दिन की बात में 1 मंडल का जो अनुष्ठान है, नहीं तो 1 महीने की दीक्षा है, इसके बारे में विस्तार करना है। वो अनुष्ठान करने के बाद 1 साल, फिर 5 साल, लगभग 10 साल का अभ्यास होना चाहिए योग सिद्धि के लिए। लेकिन तुरंत एक ही स्थिति में सब लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो दिल से नहीं तो शरीर से बुद्धि से तैयार नहीं है। इसलिए धीरे धीरे उसको तैयार करने के लिए बहुत विभाग करके बहुत समयों में कुछ न कुछ ऐसा, तो बोलते हैं ना पिपीलिका है, पिपीलिका मैंने एंट, इसको देना तो बहुत कम देना है, वो गज है ना हाथी तो बहुत लेगी। इसलिए उसका स्वीकरण शक्ति, उसका वातावरण और उसका जो इच्छा, ये सब पर आधारित उनको देना चाहिए। इसलिए ये क्लास जो शिक्षण दे रहे हैं, शिक्षण पद्धति भी 2 प्रकार की होगी, क्योंकि वो तो सार्वजनिक सब लोगों के लिए जो जो बोलना है वो अलग है। प्रति एक आदमी का बहुत कल्याण गुण होता है और हेय गुण भी होता है, विस्मृति होती है और आतंक होता है और अनभ्यास होता है। कोई आदमी को तो स्वीकरण शक्ति अधिक होगी, इसलिए ये शाम का जो सेक्शन होता है, ये सायंकाल का जो हमारा शिक्षण विभाग में, सब लोगों का सामयिक सांदर्भिक दृष्टि और उनका अनुष्ठान समर्थता के बारे में कुछ हम पूछना चाहते हैं, जिस पर आधारित उनको अलग कुछ हम बोल सकते हैं। इसलिए यदि एक दिन 2 दिन हमको दूसरा काम नहीं है, यहाँ ही बैठना चाहिए। एम्बियंस के बारे में एक लेक्चर दिए हैं पहला स्पिरिचुअल रिट्रीट में, एक वातावरण का सौविध्य भी बहुत अनिवार्य है, जिसके बिना हमको कुछ भी नहीं होगा। यदि अभी तो खाने के लिए जाना है, अभी कोई दूसरा काम के लिए जाना हो तो फिर कुछ भी नहीं ले सकते। इसलिए अविच्छिन्न तैल धारा बोलते हैं ना, ऐसा तैल धारा, तेल की धारा जैसे बहुत हमारा कान, आंखों और मन, ये 3 को एकत्री करके ये सुनना चाहिए, नहीं तो इसको नहीं हम रख सकते हैं दिल में और नोट भी नहीं लिख सकते हैं।
क्योंकि भाषण का वेग तो अलग है और लेखन का वेग तो अलग है, बहुत प्रकार का विभाग इसमें तो नहीं रख सकते। इसलिए यहाँ तो एक वातावरण हुआ है, वातावरण में दो प्रकार का वातावरण है, एक तो परिस्थिति, पहले ये स्थिति में जो हवन हुआ है, भजन हुआ है, पूजन हुआ है, ध्यान हुआ है और सज्जनों का आगमन और पदार्पण हुआ है, वो सब सबसे जो वातावरण में जो कल्याणता नहीं तो मांगल्य है वो तो दूसरा है। अभी हम आके हमारा सब भाषण में और श्रुति का भाषण में निगम आगम तंत्र उपासना मंत्र विधि नाद योग आचार अनुष्ठान सत्संग और गीत जो कुछ बहुत उपाय है, ये सब साधनों में बहुत कुछ करके जो वातावरण ये भूमि में होगी उसको भी हम बढ़ाते हैं। और यदि वो वातावरण नहीं तो भी वातावरण नूतन वातावरण की सृष्टि व्युत्पत्ति और वृद्धि भी कर सकते हैं। इसलिए वो वातावरण में जैसा लैब में प्रक्रियाशाला परीक्षाशाला में उसको तापमान वो देखते हैं, लैब टेम्परेचर बोलते हैं, लैब प्रिसिशन बोलते हैं, जैसा कोई वहाँ सान्निध्य होना चाहिए। यदि एक स्थल में हम परीक्षा करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, एक उपासना करते हैं, एक अभ्यास पर हम तत्पर है, अभी सन्नद्ध है, उस जहाँ पर हम अवश्य वो वातावरण सान्निध्य और वातावरण सौलभ्य और मांगल्य का निर्वाह करना चाहिए, वो पहले भी होगी वो शक्ति और हम भी हमारा ऐक्य प्रार्थना से वो कर देंगे। इसलिए अभी तो ये वातावरण और समय भी है, क्योंकि दो दिन हमने जानते हैं कि बाहर नहीं चल सकते हैं, इसलिए पहले हम तैयार होके सब हमारा काम पूरी करके आ जाएंगे। इसलिए हमारा कान दिल और आंख सब तैयार है, देखने के लिए, सुनने के लिए और रखने के लिए और अनुष्ठान फिर करने के लिए हम तो तैयार होके आए। और यहाँ भी बहुत उपद्रव है, यहाँ भी बहुत उपद्रव है, जैसा मोबाइल फोन ये तो बहुत कुछ है, इसलिए दूरभाषण में भाषण करना, और यहाँ तो हम उपस्थित हैं लेकिन हमारा मन का परिक्रमण में यहाँ वहाँ हो रहा, हुआ आदमी को बुलाए वो आया नहीं, ये सब बहुत प्रकार की विचिंता भी हो सकती है। वो सबको हम निकाल के यदि 5 मिनट, इसलिए शांति को शास्त्र में बोलते हैं सिर्फ 1 मिनट शांति में रहो, वो बहुत बड़ा काम है। वो 1 मिनट शांति में रहने के समय में जितनी शक्ति आपको अंत प्रविष्ट हो सकती है, जिससे हम 1 घंटे 2 घंटे तक शांति की शक्ति को रख सकते हैं। फिर दूसरा ये भी परंपरा है, फिर 1 घंटे शांति होने के समय में हम इतना चिंतन कर सकते हैं जिसमें 1 साल तक हम शांत परितृप्त और प्रशांत हो सकते हैं। यदि आकर एक आदमी 1 साल की शांति उपासना में सिद्ध हो गए, वो आदमी दूसरों को भी शांति दे सकता है, दुनिया को भी शांति दे सकता है और आज से कल तक, कल से परसों तक सब लोगों को शांति का वितरण करने में समर्थ होगा। इसलिए जो कुछ हमको चाहिए वो इतना ही लेना, जैसे 10,000 हमको चाहिए तो हम बैंक में 1,000 दे के मार्जिनल डिपॉजिट बोलते हैं। इसलिए एक प्रारंभिक वितरण से ही हम वो मूल वस्तु की प्राप्ति हो सकते हैं। इसलिए यहाँ भी जितने कम हम डालते हैं वो व्यर्थ नहीं होगा, लेकिन अब तो वो परंपरा में आना चाहिए, वो पद्धति में आना चाहिए। पद्धति में आएंगे तो एक क्षण की शांति और एक क्षण का ध्यान भी व्यर्थ नहीं होगा कभी भी, क्योंकि एक क्षण से जो प्राप्त हुआ, एक आचार्य है ना पकड़ने के लिए, आपको हाथ पकड़ के ले जाने के लिए एक आचार्य है, एक परंपरा है, एक पद्धति है, आपको 3 प्रकार का उपयोग और सहयोग है। एक तो शास्त्र सहयोग, दूसरा तो ईश्वर सहयोग, तीसरा तो आचार्य नहीं तो गुरु का सहयोग। इसलिए जितने भी आपका सहयोग नहीं तो आपका उपासना में, आपका अनुष्ठान में आप कम हो सकते हैं, फिर भी आपको पकड़ने के लिए, आपका उद्धार के लिए और आपका परिरक्षण के लिए 3 लोग तैयार है। वो 3 लोग, जो लोग तैयार है आपके लिए, वो 3 लोग का सहयोग के लिए आपको योग्यता होना चाहिए। पूर्ण योग्यता आवश्यकता नहीं है, पूर्ण योग्यता नहीं तो सामर्थ्य का आवश्यकता आवश्यकता नहीं है। ईश्वर तो तैयार है, शास्त्र तो इसके लिए, भगवान का अवतार, आचार्य का अवतार और शास्त्र का उत्पादन और शास्त्र का प्रचार, ये 3 तो इसके लिए हुआ है। इसलिए यहाँ तो एक वातावरण रख के हम आए हैं, ये तो वातावरण है, एक समय भी रख के हम आए हैं। और आपके पास 2 होना चाहिए, इच्छा और सामर्थ्य। इच्छा तो होगी क्योंकि कुछ ना कुछ जानने के लिए, करने के लिए, जिंदगी में कुछ बढ़ाने के लिए आप लोग आए हैं। और योग शास्त्र में जितने लोग आए हैं वो अभी 2 विषय से अभी भीत हुए, एक तो शरीर अनारोग्य से बहुत बाधित है और दूसरे तो सिर्फ मन का विकास, बुद्धि का विकास, ऐसा कोई विषय में आधुनिक नहीं तो क्या बोलते हैं प्राकृतिक सांसर्गिक विषय में अभी तो ग्रस्त है, वो लोग अभी आते हैं। योग में सब लोग मोक्ष के लिए नहीं तो भगवत साक्षात के लिए सब लोग नहीं आएंगे। इसलिए लोग जो जो अभी योग में आए हैं, योग तो अभी हम मैंने बोला योग तो अभी विकलांग स्थिति में प्राप्त हुई है योग विद्या,
क्योंकि योग में यम नियम का अनुष्ठान कोई भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैंने एक प्रसंग में मैं बोला, यदि आप